की बुआई में क्या हमको कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए? तो इसमें मक्का के बीज में सबसे अच्छा है कतार से कतार की जो दूरी है वो हमें 24 इंच से ज़्यादा ही रखना चाहिए। 24 इंच रख सकते हैं या 24 इंच से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। 24 इंच रखे तो बहुत बढ़िया है। जैसे अभी मेरे खेत में जो है वो कतार से कतार की जो दूरी है वो 27 इंच मैंने रखी है। 27 इंच रखी है। ये कतार है, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कतार से कतार की जो दूरी आएगी वो 27 इंच मैंने रखी है। 24 इंच चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और पौधे से पौधे की दूरी है कम से कम 12 इंच होनी ही चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 12 इंच होनी चाहिए मक्का में, तो ही आपकी मक्का अधिकतम उत्पादन दे पाएगी। और ऐसा रखने से बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? बीज की बचत होगी, भुट्टे का साइज बड़ा आएगा, प्रॉपर भुट्टा लगेगा। नहीं तो अगर पास पास में लगाएंगे तो जो भुट्टा है वो आपका छोटा लगेगा, फल जो है उसका छोटा साइज रह जाएगा, दाने कम आएंगे उसमें। प्रॉपर भुट्टा आएगा, सभी पौधों के अंदर बड़ा भुट्टा आएगा, ऐसा नहीं आएगा किसी में छोटा किसी में बड़ा, किसी में दाने नहीं है किसी में ज़्यादा दाने हैं, एक जैसा भुट्टा सभी पौधों के अंदर आएगा। बीज कम लग रहा है, दवाई का खर्च कम आ जाएगा अपना, और इसमें खाद का खर्च भी कम आएगा, और पोषक तत्व तो आपके बराबर पहुंचेंगे सभी पौधे पे। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैं बहुत पास पास में पौधा लगाऊंगा तो फिर वो पोषक तत्व उसको मिलेंगे नहीं, उसके लिए जगह भी नहीं रहेगी, हवा के लिए जगह नहीं रहती है अंदर, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं उसमें रहती है। इसलिए ये दूरी का बहुत अपने को ध्यान रखना है। कतार से कतार की दूरी 2 फीट मतलब 24 इंच, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना है मतलब 12 इंच। और इस तरह से अगर आप बुआई करेंगे तो मक्का का जो है वो अधिकतम उत्पादन मिलेगा, इस पर कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल यही है इसका परफेक्ट साइज है ये। और अपन इससे ज़्यादा भी रखें तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पर ये हमने जैसे करी यहाँ पर लांगिया तो इसके अंदर हो गया, ये थोड़ा सा 27 इंच हो गया है और ज़मीन बड़ी है तो मेरे को चल जाएगा, पर अगर हल्की ज़मीन है तो 24 इंच अपने को परफेक्ट रहेगा। 24 इंच कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 1 इंच, और ये जो लगा है ये राशि सीड्स का मक्का लगा है पूरे खेत के अंदर, और मैंने बता ही दिया कि कैसे लगाना है। और ये थोड़ा कल गीले में लगा था और आज ये आपका मेरा आज उसमें गीले में लगा था और पानी आया नहीं, फिर तो पानी इसमें लगा दिया है, ये निकल आएगी धीरे से। कैसे लग रहा है दोस्तों, राशि सीड्स का मक्का लगा है, उसका नंबर में उतर गया ध्यान से, आपको नंबर भी बताऊँगा। और इस तरह से ये मक्का का खेत है, ये पूरा खेत जो सामने आपको दिख रहा है ये जो छोटा सा खेत है ये इसमें मक्की लगी है पूरी, ये लगभग 2 हेक्टेयर का खेत है और पिछले साल का इसमें उत्पादन है 120 क्विंटल निकाला था। ये यहाँ से मेरे पास में से ये आपको चारा दिख रहा होगा इधर, ये चारा यहाँ से लेके, और ये आपको जो दिख रहा है ये लगभग 2 हेक्टेयर खेत है, 8 बीघा समझ लो, पिछले साल लिया है इसमें मक्की का। और तो ये परफेक्ट साइज है, ये कई साल से आगे पीछे करके फिर ये साइज अपन ने फाइनल करा है। बाकी फिर लोग अलग अलग उस पर पास पास में भी लगाते हैं, कोई लोग दूर दूर भी लगाते हैं, पर जो परफेक्ट साइज है वो यही है, पक्की बात है। नहीं तो कोई लोग 4 फीट पर भी लगाते हैं, कोई लोग एक मतलब कतार से कतार की दूरी 2 तरह से रखते हैं, मतलब एक तो 1 फीट और बीच में 3 फीट, मतलब एक कतार जो रहेगी कतार से कतार वो 1 फीट और उसके पास वाली 3 फीट, फिर 1 फीट, फिर 3 फीट, ऐसा भी रखते हैं, पर कोई मतलब नहीं है। सबसे परफेक्ट एनालिसिस यही है और इसी साइज के अंदर आपका परफेक्ट मक्का आएगी, भुट्टा उसका परफेक्ट आएगा। बाकी अपन इसको पास में करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, भुट्टे छोटे रह जाएंगे, कुछ भुट्टों के अंदर दाने नहीं आएंगे, कोई मतलब नहीं है। और अगर इसको हम दूर करेंगे तो भी भुट्टे का साइज कोई बहुत अब बढ़ नहीं जाना है, अगर आप इसको 4 फीट भी कर दें तो भी कोई बढ़ नहीं जाना है, जो है वो मक्के के लिए पर्याप्त स्पेस है। कतार से कतार की दूरी 24 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 12 इंच। आपको वीडियो कैसे लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताएँ, और धन्यवाद।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालूँगा इस पर।